टाइम, गेट अप, कुक। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। फाइनली आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम जो है ना, मुझे आज टाइम मिला मैं वीडियो अपलोड करूँ। काफ़ी दिन से बच्चों के हॉलीडेज़ वगैरह चल रहे थे और मेहमान वगैरह भी थे घर पे, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला, कुछ रिकॉर्ड भी नहीं किया। अब जो है ना, बच्चों की छुट्टियाँ हो गई ख़त्म, आज वो जा रहे हैं स्कूल। आशु आशु, नमाज टाइम, गेट अप, गुड मॉर्निंग, गेट अप, कुक। अब्दुल अब्दुल, गुड बॉय, गेट अप, इट्स नमाज टाइम, गेट अप। बाबा इज गॉन। अब्दुल, गेट अप, गुड बॉय, गुड मॉर्निंग, नमाज टाइम, यू वांट टू प्ले, माशाल्लाह, गुड बॉय, गुड बॉय। ये मलाला जी वेक अप फॉर नमाज, गुड बॉय, वेल डन, लेट्स गो डाउनस्टेयर्स। ये मैं किची माशाल्लाह माशाल्लाह, बच्चे ना बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हैं, जब ते प्यारे प्यारे छोटे छोटे हाथों से दुआ मांग रहे होते हैं ना, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह क्यूट लगते हैं। अभी जो है ना, बच्चों की स्टिल नमाज ट्रेनिंग जो है ना वो चल रही होती है, क्योंकि मैं इनको साथ साथ जो है ना बता रही होती हूँ नमाज कैसे पढ़ते हैं। मैं खुद ही घर में इनको पढ़ाती हूँ, और सिपारा वगैरह भी ये घर में ही पढ़ते हैं, क्योंकि मदरसा वगैरह जो है ना हमारे घर से थोड़ा सा दूर है, और मैं इनको जो है घर में ही पढ़ा देती हूँ। मॉर्निंग में जो है ना, बच्चों को स्कूल के लिए काफ़ी जल्दी उठा देती हूँ। उठाने का यही मकसद होता है, क्योंकि बच्चे नमाज पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं, क्योंकि उनको साथ साथ जो है मैं पढ़ा रही होती हूँ। तो खैर, बस नमाज वगैरह पढ़ के फिर हमने यहाँ पे, मैंने सोचा पहले लंच बॉक्स रेडी कर देते, अभी तो काफ़ी टाइम था, और बच्चे जो है ना अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहे हैं, और साथ साथ मैं यहाँ पर इनके लिए बना रही थी लंच। लंच बॉक्सेस का ना हर रोज़ का सीन यही अब रहेगा कि क्या बच्चों को दें और क्या नहीं दें। आज तो मैं फ़िलहाल इनको सैंडविचेस दे रही हूँ, और एवरी डे जो है ना मैं इनका लंच बॉक्स जो है चेंज, लाइक कुछ कुछ डिफरेंट हर रोज़ कोशिश करती हूँ देने की। और एवरी डे अगर आप बच्चों को सेम चीज़ें भी देना, तो बच्चे जो हैं वो फिर शौक से नहीं खाते, तो चेंजिंग्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। बच्चों को जो है ना स्कूल भेज के फिर मैं यहाँ बना रही थी ब्रेकफास्ट। आज ब्रेकफास्ट में अपने लिए बना रही हूँ ओट्स, हस्बैंड के लिए जो है कुछ और बनाऊँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना वो ओट्स वगैरह इन चीज़ों से दूर भागते हैं, उनको ना ये डाइट वगैरह की चीज़ें कुछ ख़ास समझ भी नहीं आती। और खैर, तो फिर छुट्टियों में भी ना हमने खूब इंजॉय किया, पराठे वगैरह खूब दबा के खाए हैं, तो अब जो है वो नॉर्मल रूटीन पर ज़रा आ जाते हैं, क्योंकि हर रोज़ पराठे खा खा के ना वेट भी ज़्यादा हो रहा था, तो सोचा अब अपनी नॉर्मल डाइट पे आते हैं। बस ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर हम रेडी हो गए थे, मैंने जाना था वीकली ग्रॉसरी करने के लिए, बच्चों की स्कूल भी है तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी। काफ़ी दिन से जो है ना ग्रॉसरी भी पेंडिंग पे थी, सोचा बच्चे स्कूल जाएंगे तो फिर उस दिन जो है जाकर आराम से तसल्ली से अपनी ग्रॉसरी वगैरह करेंगे, मीट वगैरह भी चाहिए था, तो आज का दिन जो है ना काफ़ी बिजी रहने वाला है हमारा। आजकल जो है ना वेदर फिर से चेंज हो रहा है, सर्दी की तरफ वापस हम जा रहे हैं, क्योंकि हम तो गर्मी का वेट ही करते रहे, और यूके में तो गर्मी आई ही नहीं, कुछ दिन गर्मी थी बस, फिर दोबारा से वही ठंड जो है वापस शुरू हो गई है, तो बस यहाँ का मौसम जो है ऐसा ही चलता रहता है।
chill too, please. एंडली से जो है ना फिर हम यहाँ आए थे मार्केट, मीट वगैरह लिया यहाँ पे, जो है ना फ्रेश वेजिटेबल्स वगैरह भी हमने ली थी काफ़ी सारी, उसकी मैंने रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं की, काफ़ी थक गई थी मैं और फिर भूख वगैरह भी लगी, सोचा घर जाके अब क्या ही बनाएंगे, फिर यहाँ हम KFC आ गए कुछ खाने पीने के लिए। बस फिर घर आके जो है ना मैं ये ग्रॉसरी वगैरह जो है इनको अपनी अपनी जगह पे रख लूँगी। वैसे ना मेरा सबसे सबसे फेवरेट पार्ट होता है जिस दिन मैं ग्रॉसरी करने जाती हूँ वापस आके चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना, ना ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट काम है। आज की वीडियो में ना एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ना मैं आप सबके साथ एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। वो रेसिपी है चटनी की, रेड चिली जो होती है ना उसकी वो बनती है, और लहसुन, इसलिए आज मैंने बहुत सारा लहसुन भी लाया है, तो वो ज़रूर देखिएगा और ज़रूर बनाइएगा, भी बहुत आपके काम आने वाली है। यहाँ जो है ना मैंने चिकन वगैरह को वॉश करके जो है ना उनके इस तरह से पैकेट्स बना के रख दिए थे, कीमा भी था और चिकन का कीमा अलग था और बीफ का भी अलग था और बोनलेस चिकन, क्योंकि हमारे कुछ जो है गेस्ट वगैरह भी आते रहते हैं तो फिर फ्रीज़र में जो है ना मीट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हम जो है एक साथ काफ़ी सारा लेके रखते हैं। इस तरह से जो है ना चिकन को वॉश करके जो भी मीट मैं लाती हूँ उसको पहले ही वॉश करके रख देती हूँ ताकि जब पकाना हो ना तो बहुत आसानी हो, और क्योंकि हर रोज़मर्रा के कामों में फिर ये सब चीज़ें करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, रोज़ ही कुछ ना कुछ पक रहा होता है स्पेशल, और फिर इस तरह से जब आप चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखते हैं ना तो फिर बहुत तसल्ली हो जाती है। चलें जी आते हैं आज की रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर जो है मैंने सूखी लाल मिर्च ली थी, ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती और इसके लिए फिर भी मैं क्या करूँगी, स्पाइसी ज़्यादा ना हो इसको इस तरह से काट के जो इसके जितने भी सीड्स हैं ना वो हमने अलग कर लेने हैं और सीड्स इसमें नहीं जाएंगे। और फिर यहाँ पे मैंने ली थी 1 कप के करीब दही, उसमें मैंने हल्का सा पानी डाला था ताकि थोड़ा सा जो है पतला हो जाए, और जितनी भी मिर्ची थी वो मैंने इसमें सोक्ड कर लेनी है हाफ आवर के लिए। मिर्ची जब हाफ आवर तक के लिए आप इसको रख देंगे ना तो फिर ये जो है ना थोड़ी सी हो जाएगी सॉफ़्ट, फिर जब ये सॉफ़्ट हो जाएगी हाफ आवर के बाद सारी मिर्ची को निकाल के आपने ना एक ब्लेंडर में अच्छे से जो है ना इसको ब्लेंड कर लेना है, और जो दही बच जाएगा ना वो हम बाद में इसी रेसिपी में जो है ना इस्तेमाल करेंगे, तो दही जो है ना एक साथ सारा इसमें ऐड नहीं करें। एक बार इस मिर्ची को ब्लेंड करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच के करीब सूखा हुआ धनिया, और 1 कटोरी भर के मैंने इसमें लहसुन ऐड किया था, इसको एक बार फिर से ब्लेंड करेंगे अच्छे से। फिर इसको ब्लेंड करने के बाद इसका इस तरह से एक पेस्ट बन जाएगा,
यहाँ जो है मैंने ले ली थी कढ़ाई, इसमें मैंने थोड़ा सा देसी घी ऐड किया था, आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। और लहसुन जो है इसमें दोबारा और लहसुन जाएगा, तो मैंने काफ़ी सारा लहसुन लिया था, उसको मैंने इस तरह से काट लिया था। लहसुन को हल्का सा हम पका के इसमें 1 टेबल स्पून के करीब हमने ज़ीरा ऐड करना है। ज़ीरे के साथ जो है हमने इसको थोड़ा सा पकाना है, ज़्यादा लहसुन जलना नहीं चाहिए। अच्छे से इसको पका के फिर जो चटनी हमने ब्लेंड की थी वो उसको सारा इसमें ऐड कर दें। साथ ही मैंने इसमें थोड़े से कड़ी पत्ते भी ऐड किए थे। इसको जो है ना अच्छे से आपने इसकी भुनाई करनी है, जो ऑयल है ना वो इस चटनी से अलग हो जाएगा बिल्कुल। बाकी की जो दही बची होगी ना वो भी इसमें ऐड कर दे साथ ही साथ, उसको भी अच्छे से जो है इसको भुनाई करते रहना है जब तक कि इसका कलर चेंज हो जाए। अब जो है इसमें जाएगा सॉल्ट हसब ज़रूरत, जितना आपको पसंद हो। अब जो है ना ऑलमोस्ट ये चटनी रेडी हो चुकी है, बस हल्का सा इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे ताकि सॉल्ट जो है अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। चटनी जो है ऑलमोस्ट हमारी रेडी है, इसको जो है ना आप फ्रिज में रख सकते हैं 2-3 महीने, ये आराम से फ्रिज में ख़राब नहीं होती। और इसको बेसन की रोटी के साथ, राइस के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप खाएं ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, इवन पराठा के साथ। और आई होप आप सबको आज की रेसिपी और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए भी, अपनी दुआ में भी मुझे याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।